से कमाए। काम की प्राप्ति, संसारिक कार्यों को कैसे करें, धर्म की प्राप्ति, हम धर्म किस तरह से करें, ये भी पढ़ाया जाता था पहले। अंत में मोक्ष की प्राप्ति, हमें मुक्ति कैसे मिले, ये भी पढ़ाया जाता है। लेकिन समय बदला, आज की शिक्षा पद्धति में केवल दो चीजें पढ़ाई जाती हैं, अर्थ और काम। धर्म और मोक्ष की बात आज नहीं बताई जाती। प्रहलाद जी तो पढ़ते थे भगवान का नाम। एक दिन इसने बुलाया प्रहलाद को, गोद में बिठा के पूछा, बेटा प्रहलाद, गुरु जी से जो अच्छी बात पढ़ी हो वो बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, हम तो एक ही बात जानते हैं, हित्वा तपातम गृह मंदिर कूपम वनम गतो पिताजी। अपना कल्याण चाहे अगर जीव सब छोड़ के मन में जाके भजन करें तो कल्याण होगा, हम तो यही पढ़े। गोद से पटक दिया, दूसरी बार फिर पूछा है, फिर प्रहलाद जी ने कह दिया, पिताजी नौ तरह की भक्ति।